स्कॉलर एंड मुल्ला पार्टी जो यहाँ पर हम कहते हैं, जो डिबेट्स में बैठकर इस्लाम का सारी गलत चीजें फैलाते हैं, जो इस्लाम में अच्छी चीजें लिखी हुई हैं वो कभी भी, वो मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर उनको कहते हुए नहीं सुना। तो जब हिजाब, आप बताइए, आप और मैं स्कूल गए हैं, आप भी गई हैं, मैं भी गई हूँ, जब हम स्कूल गए तब हम दो चोटी स्कर्ट या किसी की में सलवार कमीज जैसी भी यूनिफॉर्म होती थी, यहाँ पर हमने वही कैरी की। कभी किसी को मैंने लड़ते हुए नहीं देखा कि हम तो मुंह ही ढककर जाएंगे। और एक बात बताइए, आप हिजाब स्कूल में ही लगवा के भेजना चाहते हैं? ये कौन सी जिद है मुल्लाओं की? ये क्या जिद है मुल्लाओं की कि हम हिजाब बेटियों को स्कूल में ही लगा के भिजवाएंगे? स्कूल के बाहर आते ही आपको मना नहीं है, स्कूल के प्रेमाइसिस में जब आप जाती हैं तभी आपको हटाना है बस। और अंबर, आप हैरत करेंगी कि एक बेटी की मैं बात सुन रही थी, वो बोल रही थी टीचर भी तो आदमी हैं, तो हमें अंदर भी हिजाब लगाने दिया जाए। मतलब आप सोचिए कि ये मुल्ला किस तरह से उनके दिमाग को खोखला कर रहे हैं। जबकि टीचर, अगर आप और हम बात करें, तो हमने तो हमेशा सुना है माता पिता से भी ज्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं टीचर। तो ये इस तरीके की चीजें सिखा रहे हैं उनको। और आपको पता है, कभी उनकी पढ़ाई के लिए लड़ाई नहीं करेंगे ये मौलाना बाहर आकर, कभी उनको आर्थिक रूप से कैसे संपन्न किया जाए, जैसे आप और हम छोटे छोटे रोजगार मुहैया कराते हैं, जैसे हम बहुत सारे काम में ऐसे करती हूँ जिसमें महिलाओं को घर बैठे काम मिले, कुछ हैंडीक्राफ्ट का या और तरीके की जो चीजें होती हैं। मेरा कहना है कि हमें सबसे ज्यादा लड़की को शिक्षित करना तो बेहद जरूरी है अंबर, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न करना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि एक लड़की कहीं पर अगर हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, तो जब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती है, तब हम उसे ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। आप और हमारी जेब अगर भरी है तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं सरकार से कहती हूँ कि न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए, हर महिला के लिए, क्योंकि हर एक महिला का दुख बराबर है, दर्द बराबर है, उसको उतनी चोट आती है, मुस्लिम को तो हिंदू बहन को भी उतनी ही चोट बराबर लगती है। चाहे 9 महीने का गर्भ धारण करती है मुस्लिम महिला, तो हिंदू महिला भी 9 महीने का ही गर्भ धारण करती है। अल्लाह पाक ने कहीं किसी में कोई अलहदा नहीं किया है कि मुसलमान को ये होगा और हिंदू को ये होगा। तो हमें, मुझे लगता है कि मैं बहनों से कह रही हूँ आपके माध्यम से, अंबर आप भी बहुत डिबेट्स में रहती हैं, आप और हमें दोनों भी चैनल्स में रहते हैं, तो हम, मैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी देश की जो मुस्लिम बहन है उनको खासकर कहना चाहती हूँ कि ये मुल्लाओं की प्रपंच से बचकर हमें शिक्षित होना है और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। उसमें हमें सरकार का सहारा लेना पड़े तो भी, और हम खुद भी क्या कर सकते हैं, जब आप पढ़ी लिखी होंगी जॉब भी कर सकती हैं, और भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं अंबर। तो पढ़ाई पर ध्यान दें, कैसे जाया जाएगा स्कूल के अंदर, ये जो पॉलिटिशियन क्रिएट करते हैं, ये किसने क्रिएट किया कि स्कूल के अंदर भी नकाबी हिजाबी लगाकर जाएंगी हैं, जबकि इन मौलानाओं की बहुत मुखालफत हो रही है अंबर। अभी मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस देखे, तो मौलानाओं की कैटेगरी लिखी हुई थी कि दिहाड़ी मजदूर, समोसे और चाय पर आने वाला मौलाना, मैं भेजूंगी आपको व्हाट्सएप, और 2000 का दिहाड़ी मजदूर, इस तरीके का, मतलब ऐसी बात नहीं है, लोग आवाज उठाना चाहते हैं अंबर। लेकिन आप समझ रही हैं, जब धर्म के ढांचे में किसी को ढक दिया जाए, जब धर्म का खौफ दिखाया जाए, जब धर्म का नाम लेकर आपको इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाए कि देखिए अगर ये तो इस्लाम धर्म पे प्रहार हो गया, जबकि हिजाब का इस्लाम धर्म में मतलब इस तरीके का कोई वो ही नहीं कि इस्लाम प्रताड़ित हो जाएगा या इस्लाम धर्म को किसी ने गाली बक दी, ये खुद ही ऐसी चीजें कर रहे हैं। मैं तो मुसलमान बहन भाइयों से बोलती हूँ कि ये मुल्ला ही इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम कर रहे हैं, जो डिबेट्स में बैठकर गलतफहमी फैलाते हैं, और फिर आप और हम कहीं ना कहीं उस गलतफहमी को लेकर, और हिंदू भाइयों का भी माइंडसेट कैसा हो जाता है, अरे इनके धर्म में क्या ऐसा होता है, क्या इनके धर्म में ऐसा होता है, 100 लोग हमसे सवाल पूछते कि शबनम जी क्या इस्लाम धर्म में ये लिखा है, फिर हम उनको अवेयर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं लिखा है, ये नहीं है, असल में तो ये लिखा है, पर वो दिहाड़ी मजदूर जो बोल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। अच्छा शबनम जी, जो भारत की मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब के समर्थन में आंदोलन कर रही हैं, आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि एक तरफ ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन छिड़ा हुआ है, और महसा अमीनी की जो हत्या हुई है उससे किस तरह का सबक लेने की जरूरत है?
देखिए, हत्या तो जहां की आप बात कर रही हैं कट्टरपंथियों की, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो दिन रात चाकू छुरी से खेलते ही हैं। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने कट्टर हैं, बल्कि मैं तो आपके माध्यम से सलाम ही कर रही हूँ उन बहनों को कि इतने कट्टरपंथियों के सामने भी वो झुक नहीं रही हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट कौन लेकर निकला, आप बताइए। अगर हिजाब की स्कूल में बात हुई थी, अंबर आप सोचिए, स्कूल का ही मामला था, स्कूल में ही सॉर्ट आउट हो सकता था। हो सकता है आप प्रशासन से बात करते कि नहीं, हमारी चार बेटियां नकाब के बिना आ ही नहीं सकती हैं, हिजाब के बिना आ ही नहीं सकती हैं, तो शायद स्कूल कुछ सॉर्ट आउट करता। लेकिन आप तो मशाल लेकर निकल पड़े जैसे हिजाब पर किसी ने बैन लगा दिया हो। तो ये सब पॉलिटिकल मुद्दा जो है, विपक्षी तो हर कोई चाहेगा अंबर की ये मुद्दा गर्म रहे, और हम मुसलमानों की वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए, अंबर सिर्फ वोट लेने के लिए, मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ, एक सिर्फ मुस्लिम्स की वोट लेने के लिए सारे मुद्दे गढ़े जा रहे। फिर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ दिया। मैं बोल रही हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी गढ़ती है तो आप उसको अपोज करने ऐसे क्यों निकलते हो, जैसे फिर अगर उनको फायदा होता है ऐसे मुद्दों से तो आप उसे अपोज करने क्यों निकलते हो, घर में बैठो शांति से। पर ये नहीं करना, उनको फायदा ना लेने दो, क्योंकि उनको फायदा होता है तो क्यों उसमें आग भी घी डालते हो आप, हर याचिका को कोर्ट में विरोध करने को आप जाते हो। असल तो काम इन्हीं का ही होता है, असल काम तो यही करके आते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज तो हर कोई बेनिफिट लेती है, आप भी लेते आ रहे हैं, आपने भी बरसों बरस हमारे मुसलमानों की वोट ले लेकर मोटे पेट किए हैं और सत्ता में मलाइयां चाटी हैं आप लोगों ने। तो अमर, हमें उससे गुरेज नहीं है, लेकिन अब हम बुद्धू नहीं बनना चाहते। अमर समझदार है, शबनम खान समझदार है, समझ रही है, देख रही है हमारी जैसी और बहुत सारी, बल्कि अभी तो बहुत तादाद बढ़ रही है आपकी, हमारी जैसी बहनों की जो आवाज बुलंद कर रही है, हमारे साथ जुड़ना चाहती है। अंबर से कोई प्रेरित हो रही है, कोई किसी और से प्रेरणा ले रही है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर हम एक दो बहनों को भी जगा पाते हैं ना अंबर, तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। यानी हमने भी बिगुल सही जगह बजाया है और बड़ा बिगुल बजाया है। देखिए, पहले हिंदू धर्म में कोई कुरीति हो अंबर तो आप पर हम कुछ बदलाव ला सकते थे, कुछ उनको सलाह भी देने की हिम्मत रखते थे, लेकिन ये भी कम मत समझिए जहां अंबर और शबनम खान चिंघाड़ के बोलने की हिम्मत रखती हैं कि ये गलत है। इस्लाम धर्म में आप गलत को भी गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते थे, क्योंकि बड़ा बवाल खड़ा हो जाता था देश में। पर आज यहाँ पर हम सब लोग हिम्मत जुटा रहे और बदलाव की तरफ आया है, मुझे लगता है मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा बदलाव आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक बदलाव की राह दिखाई दी और बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिनके ऊपर बात करना भी लोगों को लगता था कि इस पे बात भी नहीं की जा सकती, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आ रहे हैं। लेकिन और ज्यादा आवाजें और बुलंदी के साथ इन आवाजों को बुलंद करने की जरूरत है। और आज जिस हिजाब को महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की चॉइस के नाम पर लागू करने की मांग की जा रही है, कल यही चॉइस आपके ऊपर जबरन एक थोपी हुई आपके ऊपर, वो एक दीवार अंबर, जबरन इसलिए बोल रहे हैं अंबर, जबरन इसलिए बोल रहे हैं कि वही लड़की जिसको स्कूल में आप जबरदस्ती हिजाब पहनाकर भेजना चाहते हो, वही लड़की बाहर जींस और टी शर्ट पहनती है। बिल्कुल, इसका मतलब सारा मुद्दा पॉलिटिकल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि हमें आज जो हम इस तरह के पॉलिटिकल जो टूल्स हैं या पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, वो अपने फायदे के लिए किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं और आप उनका शिकार बन रहे हैं। कल यही जो चॉइस के नाम पर जो आपको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कल यही आपके लिए एक जबरी रिवायत बन जाएगी। और जो आज ईरान में स्थिति है वो शायद कल भारत में हो सकती है। तो आज जरूरी है कि हम ऐसी रिवायतों को फ्रीडम कि कुरान शरीफ में क्या लिखा था, प्रोफेट मोहम्मद ने क्या कहा था, तो प्रोफेट मोहम्मद ये भी कहकर गए थे बेटी सर का ताज है, प्रॉफिट मोहम्मद ये भी कहकर गए हैं कि आपको पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, प्रॉफिट मोहम्मद ये भी कहकर गए जिस देश में रहते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, उस देश के कानून को फॉलो करो। तो ये जब इसकी बात आती है तो कभी शरीयत ले आते हैं, कभी संविधान की, आपने देखा था कल किस तरीके से संविधान की पोथी उठाकर घूम रहे थे। तो या अगर संविधान से चलना चाहते हैं तो भी संविधान बेटी को स्कूल के अंदर हिजाब लगाने नहीं दे रहा है। हर एक संस्था का एक रूल होता है अंबर, आप कहीं चलते हैं यहाँ पर मैं पिज्जा खाने, तो
तो वहां पर आप लड़कियों को देखेंगे अच्छे सूटेड बूटेड लड़कियां रहती हैं जो परोसती भी हैं हमें, फिर उनका अपना एक तरीका है। आप पर हम उन्हें कहें आप हिजाब लगा कर दीजिए, जबरदस्ती अगर हम कहें नहीं चलेगा, और जबरदस्ती हम किसी को कहें नहीं आप पैंट ही पहनिए, देखिए कोई जबरदस्ती किसी को पैंट नहीं पहना रहा है, तो कोई किसी को जबरदस्ती हिजाब भी नहीं बैन कर रहा है। यहां पर मुल्लाओं ने इस तरह से क्रिएट कर दिया है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है अंबर, सब ना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं पॉलिटिकल बिल्कुल व्यू अपना आपको दे रही हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इनको हिजाब या बेटी पढ़े या ना पढ़े, या आप सोच रही हैं बड़ा आपके लिए जी ये कुछ कहने के लिए बाहर आ रहे हैं, गलतफहमी की शिकार है बेटियां मुस्लिम, ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले तक अंबर, जब तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, ये अपने पेट मोटे कर करके खूब ऐश किया करते थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है अंबर, आपको पता है कि किस तरह से ये मुसलमानों की वोट बेचकर खुद अपना बढ़िया आशियाना भी बढ़िया, शेरवानी भी बढ़िया, टोपी अचकन सब बढ़िया, मुसलमान गर्त में चला जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज मुसलमानों की इनको बहुत चिंता हो गई अंबर, तो मैं पूछ रही हूं कि जब आपको मुसलमानों की इतनी चिंता हो गई, तो आपने उन लड़कियों के लिए कोई रोजगार मुहैया कराया है, किसी को एडमिशन दिलाने गए हो कभी? मैं तो आपके सामने पूछती हूँ इन लोगों से सवाल, सिर्फ दो ही सवालों के जवाब दे दीजिए। कितनी बहनों का आपने जो ट्रिपल तलाक आपने हमने सबने कितनी लड़ाई लड़ी और बहनें हमारी साथ में जुड़ी रही, मैं पूछती हूँ कि आपने किस एक बेटी को, 19 साल की बेटी आती थी, दो बच्चे होते थे अंबर गोद में, और वो सड़क पे खड़ी रह जाती थी, और उसके पास क्या था कि पति के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मौलाना कह देते थे जी तलाक हो गया, और लड़के को कोई ना कानूनन उसको कोई सजा, ना सामाजिक तौर पर कोई सजा, और बेटी अपने दो बच्चे पकड़ के घूम रही है छोटी उम्र में, और उसके माँ बाप बेचारे जूझ रहे हैं। तो ये मौलाना सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको पॉलिटिकल एंगल छोड़कर जो इनका धार्मिक जिस चोले को ये ओढ़ते हैं उस पर अगर ध्यान दें तो शायद मुसलमानों का कुछ उद्धार होगा अंबर। अच्छा शमीम जी, मेरा सवाल आपसे एक यहाँ पर ये है कि ट्रिपल तलाक की लड़ाई हुई, शाहीन बाग वाली लड़ाई हुई, या हम कोई भी हिजाब वाला आंदोलन देखे, हमने कभी भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी इतनी ज्यादा जो कहें उतनी ज्यादा मुखरता अपने अधिकारियों के लिए उनकी नजर क्यों नहीं आती? हिजाब के समर्थन में महिलाएं उतर आती हैं, तलाक के खिलाफ महिलाएं उतर आती हैं, शाहीन बाग जैसे आंदोलनों का हिस्सा बन जाती है, लेकिन अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं बोल पाती? ये कौन सी समस्या है, इसको किस तरह से देखती हैं आप? अंबर आपके माध्यम से मैं तो ईरान की महिलाओं को सैल्यूट कर रही हूँ कि वाह, कम से कम अपने देखिए अपने अधिकार के लिए सबसे पहले आप और हम क्या सिखाते हैं, ए मतलब हम खुद सब लोग ए से शुरू कर रही हैं। वो लोग बाल काट के चाहे वो अपना प्रोटेस्ट कर रही हो, चाहे वो नकाब जलाकर प्रोटेस्ट कर रही हो, उनकी हिम्मत देखिए। यहाँ पर तो कुछ भी कट्टरपंथी